ओके हे व्हाट्सएप बैक टू डिपी दोस्तों, आज किस वाले में बात करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई टाटा न्यू एप्लीकेशन का अकाउंट है और आप लोग उसमें लिंक बैंक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं या फिर उसको हटाना चाहते हैं या फिर आप उसको बदलना चाहते हैं, तो ये वाले वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वाले वीडियो में मैंने टाटा न्यू एप्लीकेशन में जितना भी बैंक अकाउंट आपने लिंक किया हुआ है उन सारे को डिलीट करके, यहाँ तक कि परमानेंटली डिलीट करके आपको बताया है। इस वाले वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग भी अपने टाटा न्यू एप्लीकेशन से अपने लिंक बैंक अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे, चाहे एक बैंक अकाउंट हो चाहे दो बैंक अकाउंट हो। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं छोटा सेंट्रल पर। लेकिन दूसरे से पहले बता दें यार, 99% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार प्लीज़ ऐसा मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे और थोड़ा हमें भी सपोर्ट हो जाए। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको टाटा न्यू एप्लीकेशन से लिंक बैंक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो वैसे यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको टाटा न्यू एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट को डिलीट करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाटा एप्लीकेशन है, जो टाटा का न्यू एप्लीकेशन है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आता है यहाँ पर, इसका आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर स्कैन पे, सेंड मनी पे, बिल्स, फाइनेंस, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा एक टाटा पे वाला भी, तो टाटा पे वाले पे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं आपको जब डिलीट करना है अपना अकाउंट उस केस में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर पेटीएम का पेमेंट बैंक लिंक कर रखा है, आपने जो लिंक कर रखा होगा वो यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर क्लिक करके आपने जितने अलग अलग और भी बैंक अकाउंट जोड़े होंगे वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरा यूनियन बैंक है और यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक है। अब इसमें से आपको जो भी अकाउंट डिलीट करना है तो उसके आगे आपको एक थ्री लाइन का, ये जो थ्री बिंदी टाइप का दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ से अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। पर अगर एक ही अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप ऐसे थ्री लाइन के पे क्लिक करिए, उसके बाद देखिए यहाँ डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं अपने पेटीएम पेमेंट वाले पे देखिए यहाँ पर ये यह थ्री लाइन पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद डिलीट अकाउंट वाले पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये यह ऑप्शन दे रहा है कि शुड वी डिलीट दिस अकाउंट, तो आपको बस यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए डन योर अकाउंट इज डिलीटेड इस तरीके से लिख के आ गया है, आप देख पा रहे होंगे सक्सेसफुली हमारा अकाउंट यहाँ से डिलीट हो गया है। अब आपको बता दूं कि अगर आपको पूरा का पूरा जितना भी अकाउंट है सबको डिलीट करना है तो यहाँ पर इसको ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाला अकाउंट अब डिलीट नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आपका एक ही अकाउंट लिंक होगा इस वाले टाटा न्यू एप्लीकेशन में तो यहाँ पर ये प्राइमरी अकाउंट हो जाएगा और ये अब यहाँ से देखिए डिलीट नहीं हो रहा है। तो इसको डिलीट करने के लिए, यहाँ से डिलीट करने के लिए एकदम परमानेंट, इसके लिए क्या तरीका है वो भी इसी वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा कम्प्लीट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। पहला तो आप अगर किसी एक को, मान लीजिए तीन चार बैंक लिंक है, किसी एक को हटाना चाहते हैं तो आपको डिलीट अकाउंट का डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर एक ही अकाउंट है और वही आपका प्राइमरी अकाउंट भी है तो थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन नहीं आने वाला है, तब आपको कहाँ से डिलीट करना है वो चीज़ आप समझिए। तो अब यहाँ पर आपको डिलीट करने के लिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने पेटीएम वाला डिलीट कर दिया था, वही मेरा प्राइमरी था, तो अभी ये वाला ऑटोमेटिक प्राइमरी बन गया यूनियन बैंक वाला। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो लिखा हुआ आ रहा है यूनियन बैंक, और इसको डिलीट करने के लिए अब आपको क्या करना है वो चीज़ आप समझिए। तो यहाँ आपको एक एरो टाइप का दिख रहा होगा, ये एरो, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा यूपीआई सेटिंग वाला, आपको यहाँ पे चले जाना होगा। चलिए हम यहाँ पर चले जाते हैं यूपीआई सेटिंग्स में। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, जैसे कि माई यूपीआई क्यूआर, बैंक अकाउंट, यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री और डिफ़ॉल्ट यूपीआई आईडी, जो कि आपके मोबाइल नंबर का भी पूरा यूपीआई आईडी बना दिया जाता है। और साथ ही में आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा डी रजिस्टर यूपीआई आईडी, ये वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है मैनेज बेनिफिशियरी के नीचे डी रजिस्टर यूपीआई आईडी, तो आपको जस्ट सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है और आपका अकाउंट चाहे एक हो, दो हो, दस हो, सारा का सारा अकाउंट एक साथ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप डी रजिस्टर यूपीआई आईडी वाले पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ये अभी पूरा का पूरा ऑप्शन डिलीट होने वाला आ जाएगा। अभी ये आपसे कंफर्मेशन ले रहा है कि डी रजिस्टर फ्रॉम टाटा पे यूपीआई, तो आपको डी रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ डी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर यूपीआई डी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि जितना भी आपका यहाँ पर यूपीआई आईडी या फिर जितना भी बैंक अकाउंट लिंक होगा वो सबका सब यहाँ से डी रजिस्टर हो जाएगा, यानी कि डी लिंक हो जाएगा
और आपको बता दूं कि अब आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है और आप पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले जहाँ पर यहाँ पर मेरा यूनियन बैंक आ रहा था, सारा चीज़ आ रहा था, अब यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि दोनों का दोनों, जो कि यूनियन बैंक था मेरा जिसपे डिलीट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो भी यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग अपने टाटा पे एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट को, चाहे वो एक हो, दो हो, या फिर चार पाँच, जितने भी आपने लिंक करे हो, अगर आपने चार पाँच लिंक करे हो तो सिंगल कैसे डिलीट करना है वो मैंने बता दिया है, सारा का सारा एक साथ कैसे डिलीट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो जो उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आएगा, सारी चीज़ समझ में आए होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ और चीज़ें पूछनी हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ पर भी आप डायरेक्ट हमें बात कर सकते हैं। चलिए इस वाले वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जैन, थैंक यू।